DAA न्यूज हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। द पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हरिपुर एक और संगे मील अबूर। साल 2023-24 फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद। जोक दर जोक बच्चों और बच्चियों की आमद। हरिपुर की तारीख में पहली दफा रिकॉर्ड तादाद में तुलबा की शिरकत। हरिपुर और एबटाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों के 700 उम्मीदवारों की एंट्री टेस्ट में शिरकत। मेरा नाम मोहम्मद जैद हनीफ है और मैं पखराल चौक खलाबाद टाउनशिप से यहाँ आया हूँ और आज पीस ग्रुप ऑफ कॉलेज में एंट्री टेस्ट है, यानी कि आज एंट्री टेस्ट देने आया हूँ मैं यहाँ पर। और इस कॉलेज में मेरा दिल कर रहा था कि मैं पढ़ूँ इस वजह से, और हर कॉलेज और हर स्कूल का यही एम होता है कि वो बच्चे को कुछ ना कुछ बनाते हैं, जिस तरह समझे कि ये कॉलेज एक डायमंड माइन की तरह होता है, यानी कि डायमंड माइन में से कोयला निकलता है और कोयले को फिर आगे साफ़ करते हैं, उससे डायमंड बनाए जाते हैं। और स्कूल और कॉलेजेस का भी यही काम होता है कि वो उस कोयले में से आगे उस हीरे की पहचान करते हैं और इस हीरे को हीरा बनाकर दिखाते हैं, और इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। कसीर तादाद में दाखिला टेस्ट के लिए तुलबा की आमद वालदेन की द पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हरिपुर पर एतमाद की मजहर। एंट्री टेस्ट का इनेकाद द पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की वसी ओवरीज इमारत में अमल में लाया गया। आज के दिन जितनी बड़ी तादाद में तुलबा और तालिबात ने आज हमारे इस कॉलेज में पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस पीस कैंपस हरिपुर में दाखिले के इम्तहान देने के लिए आए हैं, ये उनके भरोसे और एतमाद की अक्कासी करता है। लेकिन इस आवाम के भरोसे और एतमाद के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी जद्दोजहद है, ख़ास करके
मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर सना के विजन का यहाँ पे तस्करा करना जरूरी समझता हूँ। जब 2001 में उन्होंने 2-3 कमरों के स्कूल से पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का आगाज़ किया था, तो किसी की इस वहम गुमान में भी नहीं था, किसी की सोच में भी नहीं था कि ये पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हर पूरे KPK की एक बहुत बड़ी एजुकेशन चेन बन जाएगा। और जिस अंदाज में ये दाखले हमारे, जिस अंदाज में हमने रिजल्ट हासिल किया है, जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो डिस्टिंक्शन हमने हासिल की है पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने KPK में, वो इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं आपके साथ ये बात भी वाजे करना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है, वो क्या फलसफा है, वो क्या विजन है, वो क्या सिस्टम है जिसने पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इतना कामयाब बनाया है। इसके लिए मैं आपसे सिर्फ ये बात करूँगा कि हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स है, तालीमी निज़ाम है, वो रिवायती तालीमी निज़ाम से बहुत हटकर है। हमारे ऑनरेबल चेयरमैन का हमेशा से विजन रहा है कि वो रिवायत परस्ती पे बिलीव नहीं करते रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मुझे क्रिएटिव किस्म के स्टूडेंट्स चाहिए। तो हमारे एकेडमिक सिस्टम के अंदर क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, अवेयरनेस पैदा की जाती है। हमारे पास टास्क बेस्ड मेथडोलॉजी है, एक्टिविटी बेस्ड मेथडोलॉजी है। हम एक रिवायती तदरीस पर यकीन नहीं करते। हमारे एकेडमिक्स की ये वो खूबियाँ हैं जिन्होंने पीस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इस मकाम पर आज पहुँचाया है। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक और चीज़ जो खास करके नुमाया है, वो है स्टूडेंट्स की, तलबा की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन, टेस्ट के इनेकाद, जांच पड़ताल, इंटरव्यूज, नतज मुरतब करने और दाखले के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब करने के अमल से गुजारा गया। दाखला टेस्ट के इनेकाद के मौका पर तुलबा, वालिदैन, नूर मोहम्मद हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा इंग्लिश, माहिर तालीम कोऑर्डिनेटर हरिपुर कैंपस डॉक्टर इब्रार अहमद और प्रिंसिपल इदार हाजा खालिद जदून ने बातचीत करते हुए कहा, आप देख रहे हैं कि इस वक्त एंटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है ग्रेड 11 के लिए, और एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो इसमें शिरकत कर रही है। हरिपुर के अंदर हमने ही ये इसका रिवाज डाला, एंटी टेस्ट का रिवाज डाला है, जिसके अंदर हर साल काफ़ी बड़ी तादाद जो है बच्चों की शिरकत करती है। और हमने कुछ मेरिट क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, उसमें स्कॉलरशिप्स भी देते हैं हम। हमारा सिलेक्शन का, हमारा एडमिशन का एक ख़ास प्रोसेस है जो मैं चाहूँगा कि आपके तवसत से पब्लिक तक पहुँचे। उसमें हमारे जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो टॉप 15 गर्ल्स हैं, टॉप 15 बॉयज़ हैं, वो 100% फ्री एजुकेशन 2 साल के लिए उनको दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो 15 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ होते हैं, वो 50% स्कॉलरशिप जो है वो उनको दी जाती है। तो इस तरह हमने कोशिश की है कि जो टैलेंटेड बच्चे बच्चियाँ हैं, डिज़र्विंग बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको हम जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें और जहाँ तालीम हासिल करके अपना ब्राइट फ्यूचर जो है वो बना सके। फॉर्चुनेटली पिछले सालों में हमने ऐसे तमाम बच्चे जो चाहे फाइनेंशियल स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, वो यहाँ आए और वो बच्चे सारे के सारे आज इंतहाई मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ से। क्योंकि हमारे पास जो हमारी टीम है, फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो बहुत ही क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही कमिटेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड टीचर्स हैं। और पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत करती है, जो डे टाइम में वहाँ भी मेहनत हो रही होती है, आफ्टरनून में भी फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप देखें तो हमारे बच्चे जो है वो आज हर फील्ड में एक्सेल करें। अगर हम मेडिकल के एडमिशन में देखें तो भी इस वक्त पूरे हज़ारों डिवीजन में हम लीड कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के एडमिशन को देखें तो हम लीड कर रहे हैं। इसी तरह हमने कोशिश की है कि अपने बच्चे बच्चियों को जो डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उनके हवाले से कैरियर एक्सपो भी की हमने। पूरे पाकिस्तान भर से कोई 44 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स आए, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स आए, जिन्होंने बच्चों को इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, जो डिफरेंट जगहों पे जो जो फील्ड्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, उनको एडमिशन प्रोसेस उनको बताया। और आज माशाल्लाह मुझे फ़ख्र हो रहा है कि बहुत से बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो स्कॉलरशिप लेके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना करियर जो है वो बनाएंगे। इनसाइड द कंट्री भी जितनी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने हमें विज़िट किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, उनके हाई ऑफिशल्स ने, तो उनसे भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा गाइडेंस जो है वो ली है। अब बच्चों के पास ढेरों ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ की भी ऑप्शंस हैं और डिफरेंट फील्ड्स की भी ऑप्शंस हैं। हमारा कुछ मैकेनिज्म बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है। जब हमारे यहाँ ग्रेड 11 में बच्चे एडमिशन लेते हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह हम एडमिशन प्रोसेस सिर्फ 2 वीक्स के लिए ओपन करते हैं. विद इन आफ्टर 2 वीक्स हमारे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं. जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होता है वो विद इन 2 वीक्स हम अपना रिक्वायर्ड नंबर पूरा कर लेते हैं. इस वक्त हमने जो एडमिशन का क्राइटेरिया मिनिमम रखा है वो 80% ग्रेड 9 में होने चाहिए. जिस बच्चे बच्ची के इस वक्त 80% है वो एलिजिबल है टू गेट एडमिशन इन पीस कॉलेज हरिपुर. तो इस पे अलग शुक्र है, हमें हर साल, पिछले साल भी अच्छा रिस्पांस था, इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पांस है. और बच्चे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा नंबर जो है वो इस वक्त अपीयर हो रहा है. और हमने कोशिश की है क्वालिटी एजुकेशन पे काम करें, हमने क्वांटिटी पे नहीं कभी फोकस किया. हमारे जो चेयरमैन सर सना वो हमेशा ये कहते हैं कि आप क्वालिटी दें, क्वांटिटी पे ना जाएं. कम आए मदन हमीद खान फ्रॉम हरिपुर खलबा टाउनशिप और मैं यहाँ पर आई हूँ कायद आजम पब्लिक स्कूल से मैट्रिक करके और यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर का एंट्री टेस्ट देने के लिए आई हूँ. पीस हरिपुर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है और इसके बारे में लाइक हर कोई जानता है. और यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं वो ना सिर्फ आप एकेडेमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बल्कि आगे फ्यूचर में भी वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी उनकी अच्छी हो जाती है और फ्यूचर में वो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी रहे हैं और अच्छी पोस्ट पर भी हैं. और जैसे कि मेरा यहाँ एक एम है लाइक आई वांट टू बिकम डिप्टी कमिश्नर तो यहाँ पर इंशाल्लाह के फर्स्ट ईयर अपनी मैं फिसी करना चाहती हूँ और यहाँ से ही अपने आप को एकेडेमिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, उसके साथ साथ अपनी करेक्टर बिल्डिंग भी चाहती हूँ. ये पीस स्कूल जो है यहाँ पे मेरी बेटी भी पढ़ती रही है, अभी उसका एग्ज़ाम हो रहा है FSC का. और ये बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, बड़ी ग्रूमिंग होती है यहाँ पे बच्चों की, मल्टी डायमेंशनल ग्रूमिंग यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों की. बड़े मुख्तलिफ शोबों के स्पेशलिस्ट यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. तो मैं ये समझता हूँ कि हरिपुर में अगर किसी ने अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना है तो देन पीस इज़ द बेस्ट. अभी हमारा एंट्री टेस्ट चल रहा है और हम एंट्री टेस्ट के साथ साथ SLOs पे भी हैं, वो आज से ही हमने काम स्टार्ट कर लिया है. अभी जो बोर्ड ने SLOs की जो सेटअप स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2001 से हमारा पीस सिस्टम जो है वो SLO पे ही काम कर रहा है. और हमारी साथ साथ जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी चलती हैं और हम बच्चों को भी इन्हीं कैडर्स में जो है वो हम साथ साथ ट्रेन करते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो हमारी सिस्टम का एक हिस्सा है, हमारी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में है. प्रेजेंटेशन, रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें हमारी क्लासरूम की प्रैक्टिसेस में चलती हैं. तो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो SLOs का कॉन्सेप्ट है उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने बोर्ड के चेयरमैन से भी हमने एक ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है अपने टीचर्स के लिए और गाय बगाए हमारे ऑफिशियल्स आके हमारे स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ ट्रेन करते हैं. माई नेम इज़ आसफा, मैंने IIUI स्कूल से मैट्रिक किया है. आज मैं यहाँ पीस ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज में एंट्री टेस्ट देने आई हूँ और आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर. और मैं मुझे पीस इज़ द बेस्ट स्कूल इन द हरिपुर डिस्ट्रिक्ट और मुझे लगता है कि ये पीस जो है वो बेस्ट स्कूल है जहाँ पे मैं अपना फ्यूचर ब्राइट देखती हूँ और आज मुझे यहाँ पर इस स्कूल में आकर बहुत अच्छा है. ये हरिपुर के तालीमी इदारों में यकीनन एक बहुत बड़ा इजाफा है. बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जहाँ पे उसकी करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है. और उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है एक बेहतरीन इंसान बनने में. तो पीस कॉलेज की क्लासरूम्स यकीनन वेल इक्विप्ड हैं, इसकी बिल्डिंग, इसके लॉन्स बहुत लश ग्रीन हैं और यकीनन ये बच्चों की जहनी और जिस्मानी और नफसियाती जो सेहत है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा. खालिद साहब, खालिद जदून साहब प्रिंसिपल पीस, जिनका एक फॉरेन एक्सपोजर भी है, यकीनन उनका यहाँ ज्वाइन करना इससे भी इस इदारे को और इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा. माय नेम इज़ रियाल खैर और आज मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की एडमिशन के लिए आई हूँ एंट्री टेस्ट देने के लिए. और अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू पीस इज़ बेस्ट एज एकेडमिकली और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पीस आगे है. जैसे कि लड़कियों को आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है इस दौर में लड़कियों का आगे जाना लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है. तो पीस प्रोवाइड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर गर्ल्स टू और इनकरेज करती हैं, बच्चियों को इनकरेज करते हैं पीस कॉलेज. तो
तो मैं तो यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पीस में एडमिशन लें ताकि आप लोग आगे के आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि पीस मुझे इतना प्लेटफॉर्म पीस का इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि मैं आगे मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर सकती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शेख मोहम्मद निगाह हुसैन है, मैं मनकरा से बिलोंग करता हूँ, हरिपुर का एक गाँव है। आज मैं एंट्री टेस्ट देने आया हूँ क्योंकि ये कॉलेज जो है बहुत सोना है, इसके रिजल्ट भी काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं और मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये कॉलेज जो है मेरी हेल्प करेगा अपना एम अचीव करने के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनकी, ये जो इन्होंने ये प्लान किया सब कुछ बहुत ही अच्छा था, वेल मैनेज था, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब भी इधर आएँ और एडमिशन लें। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सफ़दर है और मेरा ताल्लुक हरिपुर के ज़िला हरिपुर में गांव बसोमेरा से है। मैं यहाँ पे आज पीस कॉलेज में एंट्री टेस्ट देने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और एंट्री टेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आगे बड़े होकर कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे हरिपुर में सबसे बेहतरीन कॉलेज जो है वो पीस कॉलेज लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे इस कॉलेज के साथ अपना आगे सफ़र कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आज एंट्री टेस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टाफ से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत बेहतरीन स्टाफ है और अपने जितने भी इनका प्रोफेशन है उनके अंदर हाईली एजुकेटेड जो स्टाफ है इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है यहाँ पे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में कराई जाती हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स वगैरह हो गए या स्पीच वगैरह में यहाँ पे पोजीशन होल्डर्स भी हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे साथ में मेरा भी मुस्तकबिल रोशन होए और यहाँ पे सारे जितने भी बच्चे हैं उनका भी मुस्तकबिल अच्छा बने। मैं अब एडमिशन के लिए आया हूँ अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर मेरा पहला बेटा भी फारग तहसील हुआ है तो उसने भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, इस वक्त वो आर्मी में ऑफिसर है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटी जो है यहाँ से फारग तहसील होगी अच्छे मार्क्स के साथ,